हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा, जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम भूगोल पढ़ने वाले हैं। इसका जो हमारा भूगोल का बेसिक जो परिचय था, उसका हम पार्ट वन तो कर चुके हैं और आज हम इसका पार्ट टू करने वाले हैं। इसके पहले का ये पार्ट वन जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको मैप पूरा क्लियर हो जाए। मैंने अपने लास्ट वीडियो में मैप को पूरा क्लियर किया है, कहाँ पर क्या है मैप में के थ्रू आपको बताया है, मैप के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम ये भी पढ़ चुके हैं, अब हमको ये पढ़ना था, तो ये हम आज से स्टार्ट करते हैं भारत के पड़ोसी देश से। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये जो फाइल है ये मेरी भूगोल की फाइल है। भूगोल का जो प्रीलिम्स का नोट्स है, भूगोल की जो फाइल है, उसमें इस तरीके के कुछ टॉपिक आपको मिलेंगे। लास्ट में करीब 1000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न और 1000 वन लाइनर भी आपको दिए गए हैं ताकि आप टॉपिक पढ़ें और फिर उसके वस्तुनिष्ठ लगाएँ। तो चलिए, पहले हमने इसका मैप तो एक बार पढ़ ही लिया है, एक बार और आप देख लीजिए मैप को कि किस प्रकार से मैप का हमने लास्ट वीडियो में इसको पूरा मैप को जहाँ जहाँ पे जो भी फैक्ट थे महत्वपूर्ण हमने पढ़ लिए हैं। तो एक बार बस आप इसको नज़र डाल लीजिए ताकि हम आगे के जो क्वेश्चन पढ़े तो उससे आपको थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आप लिंक देखिएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। साथ ही हमारा भूगोल का नोट्स है प्रीलिम्स का, अगर आप ये अलग से नहीं मिलेगा, अगर आप हमारा पूरा 16 फाइल का पैकेज है प्रीलिम्स का, तो आप उनके साथ इसको ले सकते हैं। भारत के पड़ोसी देश है, तो भारत के पड़ोसी देश जो हैं पांच कौन कौन से हैं? गुजरात है, राजस्थान है, लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है और पंजाब है। ये भारत के पड़ोसी देश नहीं, सॉरी, भारत के जो पड़ोसी देश है उनमें पाकिस्तान है और पाकिस्तान के ये पड़ोसी राज्य, मतलब पाकिस्तान से ये जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो भारत का जो पड़ोसी देश है वो कौन कौन से हैं? पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है उत्तराखंड, सॉरी चौथा है चीन, पांचवा है नेपाल और छठवा है भूटान, फिर है बांग्लादेश, फिर है म्यांमार। तो इस प्रकार से ये पड़ोसी जो है हमारे देश है भारत के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों से कौन कौन सी सीमा लगती है भारत के राज्यों की। भारत से पड़ोसी देश मतलब भारत से सटे हुए हैं, तो अब भारत से सटे हैं तो भारत के कुछ जो राज्य हैं उन देशों से सीमा बनाते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो कुल जो भारत से जितनी सीमा मिलती है कुल, वो है 3323 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा जो है मिलती है बांग्लादेश की मिलती है 4096 किलोमीटर। याद रखिएगा, बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा, भारत क्वेश्चन आता है कि भारत की सीमा सबसे ज़्यादा किससे मिलती है, तटीय सीमा भारत की किससे मिलती है, तो बांग्लादेश से मिलती है। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। अब पाकिस्तान की सीमा कितनी मिलती है, तो 3323 किलोमीटर मिलती है। किन किन राज्यों की मिलती है? तो पाकिस्तान से जुड़े हुए राज्य, ये जैसे हमारा मैप है वो यहाँ पे आपका ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान है। अब यहाँ पे देखिए गुजरात भी है, यहाँ पे राजस्थान भी है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर भी है, और अब जो लद्दाख भी है, और तो ये और यहाँ का जो हिस्सा है वो पंजाब का है। तो इस प्रकार से गुजरात, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और लद्दाख, ये जो सीमा है इन राज्यों की पाकिस्तान के साथ लगती है। दूसरा है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान का जो सिरा, अफगानिस्तान का जो रहेगा, अफगानिस्तान ये वाला हिस्सा रहता है ऊपर का, अफगानिस्तान जो है वो यहाँ रहता है आपका, अफगानिस्तान यहाँ पे, तो अफगानिस्तान यहाँ पे रहता है, तो यहाँ से जो लद्दाख की सीमा है वो अफगानिस्तान से लगती है। तो अफगानिस्तान से केवल कौन सा बिंदु लगता है? अफगानिस्तान से केवल लद्दाख लगता है। नेक्स्ट है आपका चीन, चीन की जो सीमा है, और अफगानिस्तान की सबसे कम सीमा लगती है 106, सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश की लगती है याद रखिएगा, और सबसे कम सीमा जो है वो अफगानिस्तान की लगती है 106 किलोमीटर। और चीन की जो सीमा है भारत के साथ वो 3488 किलोमीटर है। कौन कौन से राज्य जो है चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? वो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसे राज्य हैं जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। चीन कहाँ पे है मैप में हम देख लेते हैं। चीन जो है आपका इधर ये वाला जो हिस्सा है वो चीन का पड़ता है, तो इस यहाँ पे इस सीमा पे जितने भी राज्य होंगे मध्य प्रदेश के, तो वो जो है चीन की सीमा को स्पर्श करेंगे। कौन कौन से करते हैं?
लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर है नेक्स्ट नेपाल। नेपाल की सीमा कितनी रहती है? नेपाल की सीमा 1751 किलोमीटर रहती है और बिल्कुल चीन के जस्ट नीचे का जो साइड का सिरा है वहाँ पे नेपाल होता है। और नेपाल से भारत के कौन कौन से राज्य, सबसे पहले याद रख लीजिएगा। देखिए फ्रेंड, मैंने कल भी बताया था आपको जब मैं ये वीडियो बना रही थी कि ये इससे ये सीमा से संबंधित एक प्रश्न बनता ही है हर पेपर में। और आपको इनकी ट्रिक भी, मेरी ट्रिक जो मेरी 16 फाइलों में से एक फाइल ट्रिक की है तो उस फाइल में ही आपको ये मिल जाएगा। तो आप इसे ट्रिक द्वारा याद कर लेंगे तो आपको जल्दी याद हो जाएगा। तो नेपाल से कौन कौन से करते हैं? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, नेपाल से करते हैं। बिहार नेपाल से करता है। सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मतलब 5 राज्य ऐसे हैं जो नेपाल से टच करते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। पाकिस्तान से भी 5 राज्य टच करते हैं और नेपाल से भी 1, 2, 3, 4, 5 राज्य टच करते हैं। नेक्स्ट है भूटान। भूटान की सीमा कितनी है? 699 किलोमीटर है। और इससे कौन कौन से करते हैं? इससे अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 4 राज्य जो हैं वो भूटान से टच करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, भूटान म्यांमार के पास है, अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। फिर है बांग्लादेश। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर इसकी जो लंबाई है जो भारत से टच करती है और ये सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन आता है कि भारत का ऐसा कौन सा, भारत से ऐसा कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है, तो वो बांग्लादेश है। 4096.7 किलोमीटर सीमा बनाता है। कौन कौन से हैं? मेघालय, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 ओर से इससे घिरा हुआ होता है बंगाल से। नेक्स्ट है आपका म्यांमार। म्यांमार जो सीमा बनाता है वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 3 पड़ोसी देशों को स्पर्श करने वाला राज्य। देखिए मैंने कुछ इस तरह से फैक्ट बनाए हैं, 3 पड़ोसी देशों को स्पर्श, 2 पड़ोसी देशों को स्पर्श और 1 पड़ोसी देशों को स्पर्श। ये मैंने इसलिए बनाया हुआ है कि 3 पड़ोसी देशों को स्पर्श करने वाले राज्य, मतलब कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो 3 पड़ोसी से भारत, जो भारत 3 पड़ोसी देशों से स्पर्श करते हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको याद रहेगा, तो आपको याद ध्यान में रहेगा। जो लद्दाख है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से बनाता है, लद्दाख जो कि नया बना हुआ है। और पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ बनाता है। अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन और म्यांमार के साथ बनाता है। और सिक्किम नेपाल, चीन और भूटान के साथ बनाता है। इस प्रकार से ये 4 राज्य ऐसे हैं जो 3-3 राज्यों को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट है 2 पड़ोसी देशों को स्पर्श करने वाले भारतीय। 2 पड़ोसी देशों को स्पर्श करने वाले भारतीय कौन से, भारतीय राज्य कौन से हैं? तो असम। तो असम से कौन कौन करता है? भूटान और बांग्लादेश। मिजोरम से कौन कौन करता है? बांग्लादेश और म्यांमार। उत्तराखंड से कौन कौन करता है? नेपाल और चीन। उत्तराखंड से कौन करता है? नेपाल और चीन करते हैं। असम से भूटान और बांग्लादेश, मिजोरम से बांग्लादेश और म्यांमार। तो इस प्रकार 2 पड़ोसी देशों से स्पर्श करने वाले राज्य हैं असम, उत्तराखंड और मिजोरम। 1 पड़ोसी देशों को स्पर्श करने वाले राज्य हैं जो केवल 1 पड़ोसी देशों को स्पर्श करते हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब केवल पाकिस्तान को करते हैं, हिमाचल प्रदेश केवल चीन से लगता है, उत्तर प्रदेश बिहार केवल नेपाल से, नागालैंड मणिपुर केवल म्यांमार से और त्रिपुरा मेघालय केवल बांग्लादेश से करते हैं। अब हम अगला पढ़ते हैं, सबसे बड़ी सीमा भारत की बांग्लादेश बनाता है। 1 भारतीय राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं सिक्किम, पश्चिम बंगाल और मेघालय का मेघालय, असम। अब हम कुछ और फैक्ट पढ़ लेते हैं। मानक समय 82°30' पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से गुजरता है। मानक समय कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरता है 82°30' पूर्वी देशांतर। और ये जो समय है वो ग्रीनविच समय जो ब्रिटेन का है उससे 5.5 घंटा आगे रहता है। भारतीय मानक समय भारत के 5 राज्यों से गुजरता है, ये कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा पर स्थित कौन कौन से राज्य हैं? तो कर्क रेखा पर उपस्थित राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इस प्रकार से कर्क रेखा पर स्थित ये राज्य हैं।
8 राज्य ऐसे हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है। भू आविष्टित राज्य कौन से? भू आविष्टित राज्य मतलब होता है जो चारों ओर से स्थल से घिरा हो, उनके चारों तरफ कोई भी समुद्र ना हो, तो वो है आपके मध्य प्रदेश। हमारा मध्य प्रदेश में कोई समुद्र नहीं है, पूरा स्थलबद्ध है। छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड और तेलंगाना ऐसे राज्य हैं जो भू आवष्टित हैं। भू आवष्टित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दिल्ली और चंडीगढ़। स्थलीय सीमा कौन कितने किलोमीटर की होती है? तो 15,106.7 किलोमीटर की स्थलीय सीमा है। जलीय सीमा कितनी है? जलीय सीमा बनाती है 7,516 जो है वो जलीय सीमा बनाती है, और स्थलीय सीमा 15,106 किलोमीटर की बनाती है। प्रादेशिक जलीय सीमा, तो ये समुद्र तट से 12 समुद्री मील का रहता है। प्रादेशिक जलीय सीमा कितनी रहती है? समुद्र तट से 12 समुद्री मील की। संलग्न क्षेत्र देखते हैं प्रादेशिक सीमा, तो प्रादेशिक सीमा से 24 समुद्री मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र। प्रादेशिक जल सीमा से 200 समुद्री मील, अनन्य जो आर्थिक क्षेत्र रहेगा वो प्रादेशिक जितनी जो भी जल सीमा रहेगी, प्रादेशिक जो भी जल सीमा रहेगी, जैसे कि समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक रहती है, तो उससे 200 समुद्री मील तक जो रहेगी वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र रहेंगे। जलवायु मानसिक क्षेत्र, जलवायु यहाँ की कैसी है? मानसूनी है। और यहाँ का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल देखिए कितना है। जलवायु कैसी है? जलवायु मानसूनी रहेगी। तथा यहाँ का क्षेत्रफल कितना रहेगा? क्षेत्रफल रहेगा आपका 32,87,263 किलोमीटर। भारत विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, और क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है। और क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां है, और भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका, ये भी पता होना चाहिए, राजस्थान का है। और जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। भारत की जनसंख्या और फिर विश्व की कितनी है? भारत की जनसंख्या विश्व की है 17.5%, 121 करोड़ समथिंग ये जनता है, जिसमें पुरुष की और महिलाओं की पुरुष की लगभग 62 करोड़ है और महिला की 58 करोड़ है। जनसंख्या में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। जनसंख्या में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राज्य कितने हैं? 28 हैं, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। भारत का जो ज्यामितीय आकार है वो कैसा है? चतुष्कोणीय है। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार भारत में कितना है? 10.7% है, और पहाड़ी क्षेत्र का विस्तार है 18.6%। मैदानी क्षेत्र का विस्तार कितना है? 43% है। द्वीपों की कुल संख्या 247 है। बड़े बंदरगाह कितने हैं? 13 हैं। और संसद भारत में कैसी है? द्विसदनीय संसद है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, हमने भारत के कुछ संबंधित जो फैक्ट थे वो हमने कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं, और आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बनता है, बाउंड्री से रिलेटेड, किससे कौन सी बाउंड्री लगती है, कौन सी सीमा लगती है, तो इनसे संबंधित प्रश्न एग्ज़ाम में बनते हैं, तो वो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।